Assalamualaikum friends, welcome to my channel. मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद उमर और आज मैं आपको मौसम के हिसाब से कुछ चीज़ें बताऊंगा जो कि इनकी एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सब भाइयों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जैसा कि आपको पता है कि मौसम चेंज हो रहा है, अब गर्मी का मौसम आने लगा है, तो मौसम के लिहाज से आपने अपने जानवरों की जो कमरा है या कोई शेड है या जो भी है, ये जैसे आप देख सकते हैं, देखें मेरे जानवरों का ये मेरा शेड है, रूम बना हुआ है और इस पर मैंने ये लकड़ी के फट्टे बिछाए हुए हैं। ये मैंने अपने कमरे के हिसाब से बनवाए थे। तो सामने वो पिंजरा भी है, पहले मैंने बर्ड्स भी रखे हुए थे, वो ख़त्म कर दिए। और नीचे मैंने वो बकरी के जो बच्चे वगैरह होते हैं उनके उनको रखने के लिए वो हिस्सा बनाया हुआ है, वो देख भी सकते हैं आगे। ये देखें, ये आराम कर रहे हैं बच्चे और उनके साथ उनकी माँ भी छोड़ रही है। तो जैसे कि मौसम के हिसाब से मैं आपको बता रहा था, क्योंकि सर्दी का मौसम था तब ज़मीन से फर्श से जानवरों को ठंड चढ़ती है, जिसकी वजह से जानवरों के खुर में बीमारियों पैदा होती हैं, उनको ठंड लग जाती है। तो ये फट्टे ठंड से बचाने के लिए बनवाए जाते हैं। तो ये मैंने भी बनवाए थे, तकरीबन ये 2.25 बाय 4 फुट के हिसाब से 8 फट्टे बने हुए हैं। बाकी जो जगह एक्स्ट्रा बची थी वो उसके हिसाब से ये साइड कवर कर दिया। तो अब क्योंकि मौसम जो उनसा है वो चेंज हो रहा है, गर्मी का मौसम आ गया, तो मैंने इधर से इसमें चेंजिंग क्या लानी है कि ये फट्टे उठा देने हैं और इनके नीचे रेत या मिट्टी डाल देनी है। मैं तो रेत डालता हूँ क्योंकि रेत को साफ़ करना आसान होता है, मिट्टी बैठ जाती है, जम जाती है, तो मैं मिट्टी का इस्तेमाल नहीं करता, मैं रेत का इस्तेमाल करता हूँ। पहले भी मैंने वही गर्मियों में यूज़ की थी तो बहुत अच्छे से सफाई भी हो जाती थी उसकी। और शेड में और कमरे में जो खास चीज़ें होनी चाहिए उधर गर्मियों में, एक तो मिट्टी हो गई, दूसरा इसमें हवादार खिड़कियां होनी चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं इस साइड पर, अभी तो मैंने इसको कवर किया दूसरी साइड से क्योंकि सर्दियां थी तो हवा से बचाने के लिए मैंने इसको कवर किया हुआ था। तो अब यहाँ पर मैं उस साइड पर दूसरी साइड पर मैंने कूलर रखा हुआ जो दिन में इनके लिए 24-12 घंटे चलता रहता है, उसके बाद रात को मौसम बेहतर हो जाता है। और ये साइड पर वो मैंने खिड़कियाँ भी बंद की हुई हैं, वो आप देख सकते हैं, तो उनको भी मैं खोल देता हूँ ताकि हवा की क्रॉसिंग होती है। तो ये ज़रूरी है बहुत ज़्यादा आपके शेड के लिए, जानवरों की जानवरों को बीमारी से बचाने के लिए, ताकि उनको गर्मी ना लगे। आपने देखा होगा जानवर गर्मी से हाँफता भी है, तो ऐसी सिचुएशन जो उनसे जानवर के लिए ख़तरनाक हो सकती है। तो इसलिए कभी भी जानवर को ऐसी सिचुएशन में अगर आप देखें तो उसको फ़ौरन से पहले कोई ठंडी चीज़, ठंडा पानी, यानी कि उसको कोई ठंडी चीज़ खिलानी चाहिए, जैसे बेसन का पानी होता है, ताकि उससे उसका हाँपना कम हो जाए। अब मौसम चेंज होता है तो मौसम के हिसाब से बीमारियाँ भी आती हैं। आपने मौसम के हिसाब से एक बीमारी है जी, इनमें जानवरों में कीड़े पड़ जाते हैं, इनके खुरों में या चीचड़ पड़ जाते हैं, जुएँ पड़ जाती हैं, जुएँ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो वो आपको भी लगती हैं। तो मौसम चेंज होगा, वैसे तो इन जानवरों को नहलाना नहीं चाहिए क्योंकि ये नहाने के हिसाब नहाने के बड़े कायल होते हैं, नहाते नहीं हैं, इनको नहलाओ तो ये पानी से बहुत डरते हैं। तो आपने इनको अब 1 महीना और ठहर के तकरीबन मार्च में आपने इनको नहला देना है, तो जिससे होगा ये कि इनको अच्छी तरह नहलाकर एक पाउडर मिलता है, मैं आपको वो दिखाता भी हूँ। उस पाउडर का नाम है जी सैगवान, तो ये मैं आपको उसकी तस्वीर ये दिखाता हूँ, ये देखेंगे, ये वो पाउडर है सैगवान, ये हर तकरीबन बालों वाले जानवर के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें जो सा घोड़ा, गाय, भैंस, ऊँट वगैरह जो भी आपके पास जानवर हैं उसके हिसाब से होता है। ये आप ले आए, ये बहुत अच्छी चीज़ है, इससे जुएँ भी मरती हैं, कीड़े मकोड़े जितने भी तरह के कीड़े मकोड़े होते हैं ये उनसे बचाव के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये आपके पास गर्मियों में होनी चाहिए ये चीज़।
इसका तरीक़ेकार जो है ये इसके पीछे भी लिखा होता है, तो आप इसको पढ़कर जानवर के नहलाएं इससे, और जिससे जानवर को कीड़े वगैरह से बचाने में आपको आसानी पैदा होगी। तो और इनकी जो उनकी खुराक है, खुराक में आपने इनको ग्रीन चारा ज़्यादा डालना, मतलब कि अगर आप कोई भाई कुछ चारे पे जानवर पाल रहे हैं तो उनको चाहिए कि गर्मियों में इनको पानी की कमी हरगिज़ ना होनी होने दें। पानी की गर्मी में क्योंकि जानवर हाँफता है, तकलीफ़ होती है उसको, गर्मी लगती है, और अभी तो ये देखें मौसम बेहतर है तो मैंने इधर इनको धूप में भी छोड़ा हुआ, कोई मसला नहीं है। बाद में अभी मैं और 10-15 दिन ठहर कर मैंने इधर शेड डाल देना, चादर डाल देनी है ऊपर, तरपाल जिसको बोलते हैं वो डाल देनी है, जिससे ये छाँव में बैठ सकें। हवादार होनी चाहिए, कवर होनी चाहिए, किसी किस्म का इनको नुकसान ना पहुँचे, जिससे गर्मी से आपने ख़ास तौर पर ख्याल रखना कि गर्मी से इनको बचाना है, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो इनकी मौसम के हिसाब से इनमें हर तरह के कीड़े पैदा होते हैं, तो इनकी डिवार्मिंग भी ज़रूरी होती है। मौसम तकरीबन अगले महीने मार्च के महीने में आपने इनकी डिवार्मिंग भी करनी है। अगर जो छोटे बच्चे हैं तो आपने उनको नहलाना हरगिज़ नहीं है। जो उनसे बचाव के लिए जो था मैंने आपको बताया, दूसरा है इनकी डिवार्मिंग के लिए आपने सिरप कौन सा इस्तेमाल करना है। जो मैं इस्तेमाल करता हूँ वो है जी, ये देखें, ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये सिरप है, ये आपने ले आना है। ये भेड़ बकरी गाय भैंसों ऊँट वगैरह घोड़ों वगैरह के कीड़ों के खात्मे के लिए होते हैं, और इसकी जो उनसे इसकी जो इंस्ट्रक्शन है, इसकी खुराक का तरीका इस्तेमाल जो उनसे है, हर जानवर के हिसाब से जिस्मानी वज़न के हिसाब से इसको दिया होगा, आप अपने जानवर के वज़न के हिसाब से इसको आपने देना है। तरीक़ेकार इसका सारा पीछे लिखा होता है, और इसका नाम आप ये पढ़ सकते हैं, इसका नाम है ऑक्साफेक्स। ये आपने छोटे बच्चों को तो जो उनसे है जो जैसे ये है आप देख सकते हैं, इनको आपने जल्दी नहीं देना, तकरीबन एक महीने के होने के बाद आपने देना है। और अगर आपके जो से ये बच्चे कमज़ोर हैं तो आपने इनको एक महीने से गुजार के तकरीबन 2 महीने की उम्र में इनको देना, क्योंकि बच्चे कमज़ोर होते हैं, मोशन अगर ज़्यादा लग जाए तो फिर इनको नुकसान भी हो सकता है, तो आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना। इंशाल्लाह मैं सबसे पहले इनको जो सा ये उठाऊँगा, आज तो मैं इनकी अभी नहीं, अभी और 15-20 दिन ठहर कर मैंने इनकी ये कमरे की जो सी है सारी सेटिंग चेंज करनी है, फटे उठा कर मैं इनको साफ़ करके रख दूँगा ताकि अगली गर्मी सर्दियों में इस्तेमाल कर सकूँ। बाकी ये उठा कर मैंने इसको फर्श को अच्छी तरह से धोना है, हो सकता है तो फरनैल डालकर ब्लीच डालकर, जिससे घर में भी सफाई की जाती है, उससे इसको साफ़ करना ताकि जो ज़मीन में कीड़े मकोड़े हैं वो अच्छी तरह से मर जाए। सफाई का आपने ख़ास तौर पर ख्याल रखना है, अगर बच्चे हैं ना छोटे आपके तो आपने ख़ास तौर पर ख्याल रखना है, दूध देने वाले जानवरों के लिए ख़ास सफाई का निज़ाम होना चाहिए आपके पास, क्योंकि गर्मियों में ज़्यादा होती है तो पेशाब भी ज़्यादा करता है जानवर, फिर गोबर भी करता है तो उससे मेंगने वगैरह करता है, तो सफाई का नाकस अगर इंतज़ाम हो तो उससे थनों को भी गंद लगता है, और जिससे भी हर बहुत सी बीमारियां लगती हैं। तो आपने इस चीज़ का सफाई का ख़ास तौर पर ख्याल रखना, ताज़ा पानी 24 घंटे शेड के अंदर रखना। और ये देखें कि ये बाकी आप भाइयों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।